दोस्तों यहाँ पर एक क्विक अपडेट निकल के सामने आ रही है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हम काम कर रहे हैं स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और जल्द ही हमें Xiaomi की तरफ से स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिले, या फिर स्मार्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी हमें Xiaomi की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। खैर, ये हमें चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे 2023 तक, और यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है कि Xiaomi ने $1.5 बिलियन अभी इन्वेस्ट कर दिए हैं, और अगले 10 सालों तक रिजर्व कर लिए उन्होंने $10 बिलियन, यानी कि ईवी के डेवलपमेंट के अंदर अगले 10 सालों तक $10 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकता है Xiaomi। और चाइना के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि टेस्ला को चाइना ने बैन कर दिया है। जो चाइनीज आर्मी है उन्होंने रीज़न देते हुए बताया कि टेस्ला हमारे डाटा को कलेक्ट कर रही है मैसिव अमाउंट के अंदर, और ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। इसी वजह से टेस्ला को बैन किया है चाइना के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वेव है Xiaomi के हिसाब से चाइना के अंदर, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है अगर Xiaomi जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करे, लेकिन 2023 तक लॉन्च करने की प्लानिंग है। तो ऐसे के अंदर यही थी एक क्विक अपडेट कि Xiaomi EV हमें जल्द ही देखने को मिलेंगे। खैर, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि Xiaomi सोलली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, या फिर किसी के साथ में पार्टनरशिप करके कर रहा है, या फिर ये हमें Xiaomi की सब्सिडरी देखने को मिलेगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा। खैर, अभी तक CEO के बारे में भी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन CEO होने वाला है। तो यही था इस वाली वीडियो के अंदर, अभी कुछ भी ज़्यादा डिटेल्स ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है इसी Xiaomi के EV प्रोजेक्ट को लेकर के। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रोएक्टिव।